हाई एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. सो यस, मैं एक ट्रिप पे आई हुई हूँ एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल. जब भी सो जिबी में तो मेरा ये फर्स्ट टाइम है. इससे पहले मैं आई हुई हूँ यहाँ पे धर्मशाला, फिर मैक्लॉडगंज और क्या था, कांगड़ा, ये सब. तो फैमिली के साथ आई थी, बट आज मेरे साथ कोई भी नहीं है यहाँ पे. और अभी हम ट्रैक के लिए जा रहे हैं. आज सांस फूल गई अभी से. हाँ, आगे क्या होगा, मुझे सिर्फ स्टेयर्स चढ़ के आए हैं. तो द थिंग इज़ कि आ तो हम कल ही गए थे रात में, और लेकिन फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया था. तो फिर मैंने कहा सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर देंगे. हो गई है धूप, यहाँ पे फुल पैक्ड है. हाँ, बट दिन में हो जाएगी गर्मी, अभी तो फिर भी ठंड है. जाती हूँ मैं अब. बाय बाय. What a view. वहाँ पे बर्फ. तो अभी हमने ट्रैक किया ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स का, और हॉल्ट लिया है यहाँ पे. जिप लाइन भी है, बट मैं नहीं कर रही हूँ, बहुत बहुत छोटी सी है, मतलब शुरू होती ख़त्म हो जा रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम बस चलेंगे सीधे सीधे. सो इतना ब्यूटिफुल व्यू है. एंड जब हमने स्टार्ट किया था तो सारे कपड़े पहने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बट ग्रेजुअली अब हमें गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं. और कवर हम कर चुके हैं 5 में से अराउंड 2 किलोमीटर बस चल रही है. फिर उसके बाद एक 360 डिग्री व्यू पॉइंट करके कुछ है, इधर हम आ जाएंगे. और सब अच्छा ही चल रहा है. आए तो 20-30 लोग साथ में थे, 2-3 ही दिख रहे हैं, सब रुक रुक के आ रहे हैं. सो टिल नाउ इट्स अमेजिंग. देते अपडेट्स. तो यहाँ पे हम पैदल भी आ रहे हैं, घोड़े भी हैं साथ में. तो यहाँ पे खाने के स्पॉट्स है. थोड़ी थोड़ी बर्फ है, थोड़ी हट गई. अब यहाँ से बस 100 मीटर्स नीचे जाके स्टेज से लेकर जाएगा. वो दिस इज द व्यू. पहाड़ दो की हमारे सपोर्ट करते थे. वाओ. सो दिस इज द लेक, फुली फ्रोजन. और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल भी हुई थी, बट अभी हम आए हैं तो यहाँ पे जो बर्फ़ पड़ी थी वो मेल्ट हो चुकी है. तो एट लास्ट हमें व्यू नहीं मिला. यहाँ पे एक मंदिर भी है, अभी यहाँ पे भी जाएंगे. सबका चल रहा है फोटोशूट्स. ये बात तो थोड़ा स्लिपरी हो रहा है, ज़्यादा बर्फ़ तो हमें नहीं मिली, बट जितनी भी है, फर्स्ट स्नो ऑफ एंड फर्स्ट एंड लास्ट स्नो ऑफ 2023. नया साल आने वाला है, अगले साल नई जगह जाएंगे जहाँ ज़्यादा बर्फ होएगी. ओह, ठंड लग रहा है. नाइस, वेरी नाइस. वी वर एक्सपेक्टिंग मच मोर ऑफ स्नो. ये रहा माता का मंदिर, बहुत सुंदर. ऊपर भी ट्रैकिंग हो रही है, बट हम नहीं जाएंगे यार, बहुत थक गए. बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ती जा रही है. धूप के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे. मैंने कॉफ़ी ली, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. मतलब मुझे यूजुअली कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं आती, बट
ये स्ट्रॉन्ग भी है, वेरी नाइस। और यहाँ पे एक और लेके छोटा सा, पता नहीं क्या है बट है। तो ये यहाँ पे किसी का घर भी है, मतलब सो स्ट्रेंज, पता नहीं कोई रहता है नहीं रहता, नो आइडिया। बट है ऐसे, यहाँ पे छोटे छोटे से बच्चे क्यूट क्यूट लाल लाल हो रखे हैं। तो कॉफ़ी लिए, ये पियेंगे, फिर जाएंगे वापस और लेक देख लिया हमने। नॉलेज सी कहा जाते हैं। और मैं किसी और की शॉप पे किसी और की कॉफ़ी लेके आई हूँ, तो ये वापस भी देने जाना है। गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, लिटरली फ्रीज हो रहे हैं नोज़ हैंड सब कुछ। और हमें और ऊपर जाना था बट हम लोग नहीं जा रहे, और मम्मा जाएंगे वापस। आई विल शो यू द व्यू। और ये फॉग नहीं है, वहाँ पे कहीं पे आग लग रखी है। पहले मुझे लगा फॉग है बट ना आग लग रखी है, और वहाँ है माउंटेन्स। पूरे फ्रीज हो चुके हैं, वापस जा रहे हैं होटल पे। बेड तो बहुत मुश्किलों के बाद आ गए हम लोग वापस अपने होटल में। और ये देखो भाई, एक जैकेट, दो जैकेट फर वाली, इसके अंदर और भी लेयर्स पहनी है। डेडली ठंड हो रही है, और अभी हमारे यहाँ पे क्रिसमस पार्टी भी हम लोग करेंगे, लाइकली कट केक और ये सब। और अब एक बेकरी है, छोटी सी थी, हम ढूंढते ढूंढते कहाँ चले गए, फिर पता चला छोटी सी गली जा रही है उसमें थी वो, अभी हम लेके आए हैं। तो आई होप अच्छी हो, क्योंकि जो हमारे और लोग भी आए हुए हैं वो तो भाई बहुत बार खा चुके। मैंने कहा कल मैं घर जा रही, तो जाने से पहले एक बार तो खाना ही खाना, तो अभी लेके आए हैं। चलो ठीक है भाई, ये लेके आए हम मोकू से, लगता अच्छी रहे। गुड मॉर्निंग गाइज, सो अनदर फ्रेश मॉर्निंग, रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, और अभी हम निकलेंगे वाटरफॉल देखने के लिए, विच इज़ वेरी फेमस है। एंड देन उसके बाद दिल्ली के लिए निकलेंगे हम लोग, और बीच में रुकेंगे क्या कहते हैं उसको, रिवर राफ्टिंग करें, बट नॉट श्योर बिकॉज बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे, तो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, तो पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो शायद मैं ना करूँ, कुछ लोग करेंगे। लेट्स सी, यहाँ से देखो एक नदी जा रही है, यहाँ पे कम दिख रहा है, आगे वो पूरी नदी बह रही है। और डॉगी था पता नहीं कहाँ गया, मैं अकेले आई ऊपर से यहाँ तक, और वो मेरे को गाइड करते हुए आया है, पता नहीं यहाँ के डॉग्स में कुछ है या क्या है, ये लोग अपने आप ही पहचान जाते हैं, पता नहीं। तो निकलती हूँ मैं भी भाई, ये मेरे को डर लग रहा है, मैं हाथ हो गई, गिरी तो सीधा भाई, हिल रहा है। वही नदी, कहाँ आ गई मैं, आ जाओ भाई। बच्चे ठंडे ठंडे पानी में आ रहे हैं, देखते हैं अजीब क्यों है। ये देखो यहाँ पे हम अभी रुके थे, इतना ठंडा ठंडा फॉग हो गया है यहाँ पे भाई, मज़ेदार। वहाँ आ चुका है चांद, नाइस। तो यहाँ पे लोग राफ्टिंग करते हैं, राफ्टिंग तो मैं नहीं करने जा रही, बट हम यहाँ पे आ गए। तो अभी आप आए हैं करनाल में हॉल्ट लेने, सीधा जाएंगे अब हम दिल्ली, पूरा फॉग।